धार्मिक आस्था के नाम पर लोगों से भगवान के दर्शन कराने की आड़ में हो रही अवैध वसूली पर आपत्ति लगाते हुए शहर के अमित जैन ने जन दर्शन पहुंचकर जैसी समितियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर लोगों से चंदा लेकर आयोजन किया जा रहा है तो वसूली किस बात की। आगामी दिनों से शुरू होने वाले धार्मिक त्योहार की आड़ में दुर्गा पंडाल एवं गरबा कार्यक्रम में मुफ्त दर्शन न कराने वाली समिति एवं अवैध पार्किंग शुल्क लेने वाली समिति पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर शहर के अमित जैन ने जन दर्शन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, साथ ही ऐसी समितियों पर कार्रवाई करवाने की मांग की। जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग स्थल का कहीं भी इन लोगों के द्वारा परमिशन नहीं लिया जाता है और अवैध वसूली पार्किंग के नाम से टोटल की जाती है, तो उसका हम लोगों ने विरोध किया कि भाई फ्री पार्किंग होनी चाहिए, फ्री दर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हाँ कोई चंदा नहीं लिया दान के पैसे से, बोलता है कि मैं खुद आयोजन करवाया और इसका पैसा ले रहा हूँ, तो उस पर GST का प्रावधान है, मनोरंजन टैक्स लगाए और जिला प्रशासन उस पर्ची का रेट तय। ज्ञापन देने पहुंचे अमित जैन ने बताया कि दुर्ग जिले में सभी धार्मिक आयोजन आम जनमानस से चंदा लेकर दान के पैसों से कराए जाते हैं, उसके बाद धार्मिक भावना का लाभ उठाते हुए माता दर्शन, झांकी दर्शन एवं अवैध वाहन पार्किंग के नाम से उसी आम जनमानस से वसूली का कार्य समिति की आयोजकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें धर्म के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर आम जन में काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कहा होगा कि गणेश पूजा के समय टाउनशिप एरिया में सेक्टर 1 से लेकर 10 तक खुला धर्म के नाम से खुला व्यापार गणेश पंडाल के आयोजकों द्वारा किया गया, उसी का विरोध हम लोगों ने नवरात्रि के पहले, ये विरोध हम लोग पहले से आपत्ति दर्ज करा दिए हैं कि इस पे हर चीज़ का एक मापदंड तय होना चाहिए, दर्शकों को फ्री दर्शन की व्यवस्था मिलनी चाहिए, किसी भी तरह की वसूली ना हो, और दूसरा जो पार्किंग स्थल अगर जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाता है उसको छोड़कर कहीं पर भी अवैध पार्किंग वसूली नहीं की जानी चाहिए, अगर कोई करता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, और तीसरा मांग अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि बिना, समिति बोलती है कि बिना चंदे के पैसे से हमने ये आयोजन किया है अपने स्वयं के, तो उसका रेट जिला प्रशासन तय करे और मनोरंजन टैक्स का जो प्रावधान है उस पर मनोरंजन टैक्स लगाना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि चंदे से लेकर अगर बैठाई जा रही है प्रतिमाएं, तो वहां पर निःशुल्क श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था होगी? बिल्कुल एकदम, अगर चंदा ले रहे हैं तो दान का पैसा है, दान मतलब आम आदमी का पैसा, आम आदमी के पैसे से अगर आप कोई आयोजन करते हैं और उसी फिर दर्शन के लिए उसी आम आदमी से फिर 100-100 रुपए का रसीद काटते हैं, ये क्या आस्था से कहीं ना कहीं आप लोग खेल रहे हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।